क्या आप जानते हैं कि एमएसएम जिसके पास इनोवेटिव टूल्स की खास पेशकश है, अपने एआई रिक्रूटमेंट टूल के टेक्निकल इश्यूज और बायसेस के कारण काफी नुकसान उठा रहे हैं? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम आपको एमेजन के एआई रिक्रूटमेंट टूल के फेलियर के बारे में सब कुछ बताएंगे। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। इतने टाइम से हम लोग हर चीज पे बात करते आते हैं, गूगल चैट जीपीटी और सभी चीजों पे। तो आइए एक नजर डालते हैं अमेजन पे भी। अच्छा, हमको सिखा रहा है। अच्छा, और जब सो तो चलिए आइए बात करते हैं कि अमेजन की एआई रिक्रूटमेंट टूल के बारे में। अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है और ये कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने के लिए बहुत से इनोवेटिव टूल्स का यूज करती है। इसमें से एक टूल है कि जो कि है अमेजन की एआई रिक्रूटमेंट टूल, जिसका यूज रिज्यूमे और सीवीज को स्कैन करने और फिर उन्हें कैंडिडेट्स की स्किल सेट और क्वालिफिकेशन के हिसाब से रैंक करने के लिए किया जाता है। प्लीज, ये अच्छा है, ये अच्छा। लेकिन हाल ही में इस टूल में टेक्निकल इश्यूज सामने आए हैं जिसके कारण ये टूल फेल हो गया। ये टूल का यूज अनबायस्ड रिक्वायरमेंट के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी ग्लिचेस हैं जिनकी वजह से ये टूल अनबायस्ड रिक्वायरमेंट नहीं कर पा। ये टूल मेल कैंडिडेट्स को ज्यादा वेटेज देता है और फीमेल कैंडिडेट्स को कम। इसके अलावा ये टूल कैंडिडेट्स के एजुकेशन और प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस को भी कंसिडर नहीं करता। ये फंस गया सी है। दोबारा रिजेक्ट किया जा रहा है जिनकी एजुकेशन या एक्सपीरियंस ट्रेडिशनल नहीं है। इसके कारण अमेज़न को काफी बैकलैश मिल रहा है और इस इंसिडेंट के बाद अमेज़न नेक्स्ट टूल को इम्प्रूवमेंट करने की जगह इसके यूज को कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया है। इस इंसिडेंट से हमें ये सीखने की जरूरत है कि एआई टूल्स को सही तरीके से डिजाइन करना बहुत जरूरी है। अगर इन टूल्स में किसी भी तरह की बायसेस या ग्लिचेस होते हैं तो ये बड़े कंपनीज के लिए काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा ये इंसिडेंट दिखाता है कि कंपनीज को हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन और एक्सपीरियंस से ज्यादा हमारे स्किल और नॉलेज पे फोकस करना चाहिए। को पैसा बर्बाद कारण है कि कंपनीज अभी बहुत से अनकन्वेंशनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस का यूज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंपनीज इंटरव्यूज के टाइम कैंडिडेट को रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को दे रहे हैं। देख रहे हैं कुछ कंपनीज कैंडिडेट्स को ऑनलाइन असेसमेंट्स और गेम्स के थ्रू इवेल्युएट कर रहे हैं। ये सब अनकन्वेंशनल मेथड्स ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ साथ मिला के यूज किया जाता है। अच्छा बात नहीं है। हमें इस इंटरव्यू से ये भी सीखने की जरूरत है कि ट्रेडिशनल सिस्टम से ज्यादा अपने नॉलेज और स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। ट्रेडिशनल एजुकेशन एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने स्किल्स और नॉलेज को डेवलप करने पे भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि अमेज़न एआई रिक्रूटमेंट टूल के फेलियर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है तो आप हमें कमेंट करें। इसके अलावा अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब खा गया, कुछ नहीं बचा। इसके अलावा ये टूल काफी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स कहना है कि इस टूल के साथ बहुत से एथिकल और लीगल इश्यूज भी हैं। उनके हिसाब से ये टूल कैंडिडेट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन और प्राइवेसी को भी रिस्क में डाल सकता है। इस टूल के साथ रिलेटेड कंट्रोवर्सीज के कारण अमेज़न को काफी नुकसान हुआ है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। इस वीडियो में हमने देखा कि अमेज़न की एआई रिक्रूटमेंट टूल में सामने आए टेक्निकल इश्यूज और बायसेस के कारण ये टूल फेल हो गई है। इस टूल के साथ रिलेटेड कंट्रोवर्सीज के कारण अमेज़न को काफी नुकसान भी हुआ है। इस इंसिडेंट से हमें ये सीखने की जरूरत है कि एआई टूल्स को सही तरीके से डिजाइन करना बहुत जरूरी है और कंपनीज को हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन और एक्सपीरियंस से ज्यादा हमारे स्किल और नॉलेज पे फोकस करना चाहिए।